हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिएटिव पैटर्न मास्टर पे। और आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप अगर एक बेसिक पैंट कट करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल फिटेड फिटिंग वाली इस तरह की फिटिंग की पैंट कट करना चाहते हैं, लो वेस्ट पैंट, तो किस तरह से कटिंग कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम मेजरमेंट देख लेते हैं। हमें बेसिक पैंट को कट करने के लिए जो मेजरमेंट चाहिए होते हैं, सबसे पहले हमें पैंट की लेंथ चाहिए, उसके बाद लो वेस्ट, हिप का साइज, थाई का साइज लेना जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो भी आप वो पैंट कट कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। बॉटम का साइज और आपको घुटने का साइज होना चाहिए आपके पास, तो ये सारे मेजरमेंट होने जरूरी हैं। इसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हिप है वो 36 इंच है। सबसे पहले हम एक माप करेंगे। यहाँ से हम 2 इंच मार्जिन ले रहे हैं। आप चाहें तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं, मैं 2 इंच ले रहा हूँ। एक मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे 2 इंच का। ये मार्क करने के बाद हमारी पैंट की जो लंबाई है वो 36 इंच है। 36 इंच हमारी पैंट की लंबाई है। इसमें मैं बेल्ट जो लगाऊंगा वो 1/4 इंच की लगाऊंगा। 1/4 इंच की बेल्ट मैं लगाऊंगा, तो 1/4 इंच हमारा यहाँ पर है और हमें यहाँ पर 1/2 इंच मार्जिन चाहिए, तो यहाँ पर 1/4 इंची पर एक मैं निशान लगा लूंगा। अब हमारी हिप जो है वो 36 हिप है। फिटेड पैंट अगर आप बनाने जा रहे हैं और लो वेस्ट पैंट बनाने जा रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। अगर हमारी 36 इंच हिप है, जितनी भी हमारी हिप है उसका चौथा हिस्सा 9 चौक 36, 9 इंच में 1.5 इंच आपको प्लस करना है। तो ये देखिए, 9 इंच और 1.5 इंच, ये हुआ 10.5 इंच। 10.5 इंच पे आपको मार्जिन लगाना है, 10.5 इंच पे आपको मार्क करना है। और आपको याद रखना है, अगर आप किसी के लिए फिटेड पैंट बनाने जा रहे हैं लो वेस्ट वाली, तो उसमें आपको हिप का चौथा हिस्सा लेकर के 1.5 इंच प्लस करना है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक सीधा माप कर लेना है। सीधा माप कर दिया। इसको भी आपको सीधा मार्क करना है। मैं एक यहां से लाइन खींच देता हूं, ये पैटर्न थोड़ा सा खराब हो रहा है। पैटर्न हमारा थोड़ा खराब हो रहा है, इसीलिए मैंने लाइन खींच दी है। और दोस्तों, ये जो कटिंग मैं कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट आप कपड़े पे भी कट कर सकते हैं इसी तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिप हमारी है 36 इंच, तो 36 इंच में आपको 4 इंच प्लस करना है। 36 और 4 हुआ 40। अब आपको क्या करना है, 40 का चौथा हिस्सा यानी कि 10 इंच, ये आपको यहाँ पे मार्क करना है। 10 इंच यहाँ पे मार्क करना है और 10 इंच ही यहाँ पे मार्क करना है। और आपको एक लाइन खींच देनी है इस तरह से। यहां पर आपको 1.5 इंच लेना है। और अगर आपके पास ये कर्व है, आर्मोल कर्व है, तो आपको इससे इस तरह से एक लाइन खींच देनी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो भी आपको ये लाइन इस तरह से हाथ से खींच देनी है। अब जो मैंने ये मार्क किया है, इसमें हमारा जो 4 इंच हमने प्लस किया है वो हमने सिलाई का मार्जिन इसके अंदर ऐड किया है, तो इसीलिए हमने ये 4 इंच इसमें जोड़ा है। यहाँ से हमने इसको 1.5 इंच लिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का मेजरमेंट देखना है और इन दोनों का जो भी मेजरमेंट है उसको सेंटर करना है, ये दोनों का सेंटर बनाना है यहाँ। अब यहाँ से आपको देखना कितना आ रहा है, ये 1.5 आ रहा है। 1.5 आपको एक यहाँ पे मार्क करना है, ये इसका सेंटर हो गया।
अब आपको यहां से इन दोनों के बीच में एक निशान लगाना है। ये इन दोनों के बीच का निशान है और एक सीधी लाइन यहां भी खींच लेनी है। हमारा हिप के साइज आपको पता चल गया। अब हमें देखना है हमारा बॉटम कितना है। हमारा बॉटम जो है वो है 12 इंच। ये हम फ्रंट काट रहे हैं पहले, इसके बाद हम बैक काटेंगे। तो अगर आपका बॉटम जितना भी है उसमें आपको 2 इंच प्लस करना है। ये पौने 6 पे है, इसका हम सेंटर बनाएंगे। ये 6.5 है, यहां पर हम इससे आधा आधा इंच ज्यादा रखेंगे। साढ़े सात, ये 6.5 है तो इसको हम रखेंगे 7.5। अब हमें क्या करना है, यहां से हमें एक सीधी लाइन खींच देनी है इस तरह। और यहां से हल्की सी इस तरह। और यहाँ पर हमें हमारे जो शेप पट्टी होती है, आपके पास जो भी शेप पट्टी हो उसका जो ये वाला हिस्सा होता है, इसको हमें फ्रंट के लिए यूज करना है। इस तरह से शेप देनी है और इसी हिस्से को हमें बैक में यूज करना है। यहाँ से हमें पहले से 1 इंच नीचे मार्क करना है। 1 इंच नीचे मार्क करके इस तरह से हमें निशान लगाना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फिटेड पैंट है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से मार्क करना है। ये हमारा सेंटर है, यहां से हमें 3.5 इंच पे डार्ट लगानी है। ये डार्ट का निशान है और ये जो हमारी डार्ट जाएगी इसमें 1 सेंटीमीटर मार्जिन दे जाएगा, 1 सेंटीमीटर मार्जिन जाएगा। ये टोटल मार्जिन जो है 0.25 इंची है। अब इसको जो है इस तरह से कर लेना है। अब आपको क्या करना है, यहां से जो है आपको आधा इंच, ये आधा इंच का मार्क करना है इस तरह से। ये शेप दे दी। इसका क्या करना है आपको, ये हल्का सा यहां से इस तरह से। ये आपकी फ्रंट हो गई। ये हमारी फ्रंट कट गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने थाई का मेजरमेंट नहीं लिया है। थाई का मेजरमेंट मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले से इस पैंट की कटिंग करेंगे तो जो आपका थाई का मेजरमेंट होगा वो वही आएगा। आप चाहें तो चेक करके देख सकते हैं। मैंने जो हिप के हिसाब से बताया इस पैंट की कटिंग के बारे में, तो आप हिप के हिसाब से ही इसको जिस तरह से मैं कट कर रहा हूँ उसी फॉर्मूले से कट कीजिएगा, आपका थाई एकदम फिट आएगा। अब हम बैक काटते हैं। अगर आप इसे कपड़े पे कट कर रहे हैं तो आपने जो ये दो मार्क किए हैं, आप इन दोनों मार्क के सहारे आप कपड़े का जो है सेंटर बना सकते हैं इन दोनों निशान से। मैं पैटर्न कट कर रहा हूँ तो मैं इसको इस तरह से रख देता हूँ। अब आपको क्या करना है, इसके साथ मार्क कर देना है इस तरह से।
जैसा कि मैंने आपको बताया था ये 6.5 है, तो हम बैक को 7.5 रखेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको 1 इंच, इसको हम 1 इंच प्लस कर लेंगे। और इसको हमें जो है 1.25 इंच प्लस करना है, 1 इंच से हल्का सा ज़्यादा, 1 इंच से 2 सूच ज़्यादा। और यहाँ पर हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इतना लेने के बाद ये वाला निशान जो हम सीधा लगाएंगे इस तरह से और इस तरह, और ये वाला निशान हम बाहर वाला जो हिस्सा होगा बैक काटने के लिए, बाहर वाला जो हिस्सा है उससे निशान लगाएंगे। इस तरह से। तो ये हमारा मार्क हो गया। अब चाहें तो इस तरह से अपनी थाई को रीचेक कर सकते हैं। जो भी आपको मेजरमेंट देना है उतना इसमें आना चाहिए। जैसे कि ये 11.5 आ रहा है, तो अगर आपको थाई 23 इंची तैयार देनी है 23 इंच तैयार आ जाएगा। ये जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है ये मार्जिन में चला जाएगा। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं कि आपकी थाई जितनी आपको चाहिए उतनी आ रही है कि नहीं आ रही है। मेरी थाई मुझे 23 इंच चाहिए, तो ये 23 इंच आ रही है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अभी तक मैंने लो वेस्ट नहीं नापी है, अब मैं आपको बताता हूँ कि लो वेस्ट को आपको किस तरह से रेडी देना है। अब लो वेस्ट का जो हम मेजरमेंट करते हैं, तो ये 4 इंच में 1 सूत कम, यहाँ से नापना आप, और ये लगभग 9 इंच के आसपास आ रहा है। 9 इंच में से 1 इंच आपका मार्जिन चला जाएगा, 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर, तो ये बचेगा 8 इंच। हमारा जो लो वेस्ट है वो 30 इंच है, 30 का आधा करेंगे तो 15, 8 इंच फ्रंट हो गया, 7 इंच आप बैक रखेंगे तो 15 हो जाएगा। तो अब आपको 7 इंच किस तरह से रखना है, 7 इंच में 1 इंच तो आपको मार्जिन देना है दोनों साइड का बैक के लिए, 8 इंच हो गया, और 1 इंच का आपको डार्ट देना है बैक पे, 1/2 इंच का डार्ट फ्रंट। उससे पहले हम यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क लगाएंगे, और एक सीधा निशान लगा लेंगे। इससे 1.5 इंच आपको बड़ा रखना है और एक सीधा निशान लगाना है। अब आपको जब बैक काटनी है तो बैक को आपको 1 इंच यहाँ से पहले ये 1 इंच पीछे ले लेना है, यहाँ से 1 इंच यहाँ पे ले लेना है, और शेप पट्टी को लेकर शेप पट्टी को उल्टा रखना है, और यहाँ से यहाँ तक ये 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ से इस तरह से मार्क कर देना है। ये 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर ये आपको सीधा रखना है यहाँ से, और 9 इंच जो मैंने बताया था आपको यहाँ से 9 इंच पे लेके इस तरह से निशान लगाना है आपको। ये आपको इस तरह से निशान लगाना है। यहाँ पे निशान लगाने के बाद इन दोनों का जो बीच का हिस्सा है, ये 1.5 इंच था, 1/2 इंच पे एक पॉइंट लगाना है, और इस पॉइंट को लगाने के बाद आपको क्या करना है, एक स्केल लेना है यहाँ से और यहाँ तक इस तरह से रखना है। इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से, और ये मैं सीधी लाइन खींच दूंगा, और यहाँ से इस चेप पट्टी लेनी है, आर्मोल पट्टी, और इस तरह से आपको ये निशान लगा देना है इस तरह से। इस तरह से निशान लगा देना है। और आपको फ्रंट में क्या करना है, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, 1/2 इंच आपको ये निशान लगाना है, और यहां से यहां तक ये डाउन करना है 1/2 इंच। डाउन करने के बाद इसको कट कर देना है,
ये आपकी डांट हो जाएगी फ्रेंड की। डांट जो आपकी यहां तक रहेगी। ये आपका हो गया फ्रंट। इसके अंदर मार्जिन है सब जगहों पर, वो मैंने दिया हुआ है। और यहाँ पर आपका ये फोल्ड हो जाएगा। ये आपका फ्रंट हो गया। ये आपका बैक हो गया। इस तरह से मार्क कर दो आपके। अभी इसमें हमें डार्ट भी डालनी है। आपको डार्ट किस तरह से डालनी है, यहाँ से आपको ये 9 इंच है, ये फ्रंट का जो निशान था इसको आप ऐसे कट कर दीजिए। अगर आप फैब्रिक पे कट कर रहे हैं तो एक ही बार में कट कर दीजिएगा। 9 इंच है ये, 9 इंच का आधा हुआ 4.5। 4.5 इस तरह से लेकर के आपको और एक निशान लगाना है। आपको कितने इंच पे लगाना है वो मैं बता देता हूँ आपको। 4.25 इंच पे लगाना है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपकी डार्ट आएगी और दोनों साइड से बैक की डाट आपकी भारी होगी, फ्रंट की डाट आपकी हल्की होगी। अब आपको क्या करना है, इसको एक सूत यहाँ से और एक सूत यहाँ से उठा लीजिए और इस तरह से मार्क कीजिएगा। ये निशान कट कर दीजिएगा। सेंटर का निशान आपको इस तरह से लगाना है, 14 इंच, 7 इंच, 9 इंच का आधा, 4.5 इंच। ये सेंटर हो गया इसका। और आप इसका निशान चाहें तो लगा सकते हैं इस तरह से। जब आप अपनी पैंट को प्रेस करेंगे और क्रीज तोड़ेंगे तो सेंटर यहाँ पे बन के आएगा। दोस्तों इसको मैं कट कर देता हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों आप कुछ भी पूछना चाहते हैं इस पैंट की कटिंग के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप एक बार इस तरह से इसकी कटिंग करके देखिए और आपकी फिटिंग एकदम जबरदस्त आएगी। लेकिन याद रखिएगा, ये जो पैंट की कटिंग मैंने आपको बताई है ये मैंने फिटेड पैंट के लिए बताई है और लो वेस्ट पैंट के लिए बताई है। आगे चल के अपनी वीडियोस में मैं आपको और भी तरीके की पैंट बताऊंगा कि किस तरह से आप और भी तरीके की पैंट काट सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन दिया है। अगर आप और ज़्यादा मार्जिन देना चाहते हैं तो आप इसी पैटर्न में या फैब्रिक में 1.5 इंच या 2 इंच का मार्जिन दे करके यहाँ से कट कर सकते हैं। बट मैं अभी इसको उतना ही कट करूँगा जितना मैंने मार्जिन इसमें लिया है। लेकिन आप जब फिटेड पैंट काटें तो ध्यान रखें मार्जिन उसमें ज़रूर लें। जैसे कि 1.5 इंच का मार्जिन आपने ले लिया तो यहाँ से आप इस तरह से कर दीजिए तो ये आपका एक्स्ट्रा मार्जिन होगा। दोस्तों अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा ये तरीका मैंने किस तरह से बताया है। अभी मैं पहले इसको कट करता हूँ, फिर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा।
जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी बैक कट चुकी है। थर्टी सिक्स साइज की पैंट है ये हमारा 2 इंच मार्जिन हो गया फोल्ड करने के लिए, और ये हमारी जो है बैक हो गई, और ये हमारी डाट हो गई। ये हमारी बैक हो गई और ये हमारी फ्रंट हो गई। इसमें हम सारी जगहों पे मार्जिन ले चुके हैं। इसमें हम 1/4 इंच की बेल्ट लगाएंगे और फिक्स बेल्ट लगाएंगे। अब हम हिप चेक कर लेते हैं एक बार। तो जैसे कि हिप आपका जो आएगा वो इस जगह पे आएगा, 10 इंच आ रहा है, 1 इंच मार्जिन चला जाएगा 9 इंच। ये आपका जैसा कि आप देख सकते हैं 18.5 इंच हिप तैयार आएगा आपका। मेजरमेंट में 36 इंच था, ये 37 इंच आएगा, 1 इंच एक्स्ट्रा आएगा, इतना काफ़ी है, सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा काफ़ी है। इस 1 इंच से आपकी पैंट की फिटिंग एकदम अच्छी आएगी। और लो वेस्ट भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। लो वेस्ट जो हमारा था वो 30 इंच था, तो यहाँ से हम ये देखिए 4 इंच, 4 × 3.5, 3.5 मैंने यहाँ रखा, 7 इंच, 7 इंच ये हुआ, मार्जिन छोड़ दिया 1/2 इंच, 7 इंच, 10.5 इंच, 10.5 इंच और ये 15 इंच। 15 इंच हमारी वेस्ट तैयार आ जाएगी, और हमारा वेस्ट का जो मेजरमेंट है वो 30 इंच है, तो ये बिल्कुल फिटिंग एकदम ओके आएगी। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की आपको कोई भी जानकारी चाहिए, और आप अगर कोई और वीडियो चाहते हैं, किसी और वीडियो को पैटर्न में कट करूँ, तो आप हमें बता सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे पैटर्न बताऊँगा। पैटर्न मेकिंग का पूरा प्रोसेस, जिस तरह से आप किस तरह से आप पैटर्न कटिंग कर सकते हैं, और अगर आपको सूट में, ब्लाउज में, किसी भी तरह की फिटिंग देने में किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।